कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की, कर्नाटका में क्या किया उन्होंने, रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान है, हर अने बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपके आरक्षण पर डाका डालने देंगे? ये चोरी करने देंगे? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है कि नहीं है? ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं है?